मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा। हम लोग जोधपुर में गए थे शूट करने, तो वहाँ पे राजस्थान की कहानी है, तो वहाँ के लोग मतलब आग उग लगा दिए थे पूरा सेटअप पे। हाँ, और मार भी पड़ी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस से कदम प्रतिभाओं की खोज। और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो भोजपुरी सिंगर भी है और साथ साथ इन्होंने कुछ फिल्में करने की भी ठानी है और इनको फिल्म के ऑफर भी मिले हैं और उनके चेहरे से भी आपको देखने में नज़र आता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ है, अपने अंदर एक अलग पहचान बनाते हुए नज़र आते हैं। तो आइए हम इनसे रूबरू करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपना काम शुरू किया। तो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले तो चैनल के देखे वाला लोग के हमारा तरफ से प्रणाम बा। हम सिंगर मंजीत मैक्स। मंजीत मैक्स बहुत अच्छा नाम है आपका। और मंजीत जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मंजीत मैक्स, ये मैक्स की टाइटल क्या है? मैक्स की टाइटल ये है कि जब हम लोग स्टेज शो करते हैं ना, तो जैसे मैक्स मतलब मज़ा। मज़ा, हाँ मज़ा, तो हम इंजॉय करवाते हैं स्टेज मंच पे। हाँ, हम दोस्त ये सोच रहे हैं कि मंजीत जी तो मैक्स की बात कर रहे हैं, मस्ती की बात रहे हैं। हाँ, तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, इसके बाद आगे बात। हाँ, मैंने कहा कि दिल रुबा, ओ बोली मेरे पास आ। मैंने कहा मुझे प्यार है, ओ बोली कि तू दिलदार है। मैंने कहा कि दिल रुबा, ओ बोली मेरे पास आ। मैंने कहा मुझे प्यार है, ओ बोली कि तू दिलदार है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। ऐसे लहरा के यू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहासा धड़कने लगी, धड़कने बेतहासा धड़कने लगी। दोस्तों, मैं इनके बारे में बात करूं तो ये है रामपुर जीवन के रहने वाले, जो गाजीपुर के ही बगल में पड़ता है, बुजुर्गा साइड में। और मंजीत जी, ये बताइए कि जब आप सिंगिंग करते हैं, ये आपका पहले स्टार्टिंग कब हुआ था? स्टार्टिंग तो 2017 से हुआ था। 2017? हाँ, लेकिन शौक मेरा बहुत पहले से, छोटा था तब से, हाँ, कि मैं इस लाइन में आऊँगा। हाँ, अच्छा मंजीत जी, ये बताइए कि जब आपने गाना स्टार्ट किया था, तो अक्सर आप भोजपुरी गाते हैं या हिंदी भी गाते हैं? नहीं, मैं भोजपुरी गाता हूँ, हिंदी भी गाता था, लेकिन उतना कहाँ सोचते थे पहले, मतलब अभी इधर लोकल स्टूडियो। हमारे यूपी बिहार में तो यूँ होता है कि आप भोजपुरी गाइए, हिंदी से कोई मतलब नहीं। हाँ, भोजपुरी मतलब ज़्यादा मांग है इधर यूपी बिहार, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड के ऊपर। चलिए, और भी एक गीत हम चाहेंगे कि मतलब सबको को रिक्वेस्ट करें। हाँ, क्यों नहीं, अभी हाल ही का मैंने कल रिकॉर्डिंग करवाया है, प्रधानी सॉन्ग है। प्रधानी? हाँ हाँ, क्योंकि आज के डेट में प्रधानी भी बहुत तेज चल रहा है ना। चारों ओर गुजत बाणे बबलू हो भैया, चाचा चाची अब की ध्यान तनी दीहा। चारों ओर गुजत बाणे बबलू हो भैया, चाचा चाची अब की ध्यान तनी दीहा। रामपुर जीवन के हौवे मसीहा, रामपुर जीवन के हौवे मसीहा। मन जित गा के बतावे ले हो, हाथी जोड़ी कहा तारे ये हो चाचा चाची। हाथी जोड़ी कहा तारे ये हो चाचा चाची। हमारा के प्रधान बना दलो, हमारा के विजयी बना दलो। अच्छा, ये बताइए कि आप सबके लिए गीत गाएंगे, ओनली पर्सनली आपके अपने गांव वाले? मैं सबके लिए गाता हूँ। हाँ, अभी इससे पहले एक भवानी सिंह थे, उनका भी गाया था, लेकिन मेरे गांव में बैकआउट सीट हो गया तो लड़ेंगे। हाँ, आपके घर में
जब आप स्टार्ट किए थे तो आपके घर में किसका सपोर्ट रहा था? मेरे घर में तो सबका सपोर्ट था, सब क्योंकि मैं ठान लिया था करूंगा तो यही। हाँ, लेकिन मम्मी बोलती थी कि अभी पढ़ाई तुमको करना है। मैंने बोला पढ़ाई भी करूंगा, ये भी करूंगा। पढ़ाई लिखाई की बात किया आपने, तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ पे करी? पढ़ाई तो अभी बी ए थर्ड ईयर है। बी ए थर्ड ईयर है और बी ए थर्ड ईयर में आपने गायकी छोड़ी। हाँ, अभी आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है, मतलब मैं सिंगर ही बनूंगा। हाँ, और मैं सिंगिंग में जब आया, गाना वाना गाने लग गया, तो मुझे फिल्में भी ऑफर हो रही है, तो करना ही। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा लड़का जो गांव का रहने वाले हैं और बड़ी मुश्किल से किसी को फिल्म का ऑफर मिल पाता है। आज तक कोई आपने फिल्में की है या नहीं? आज तक तो मैंने फिल्में की नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी मूवी में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया हूँ, पद्मावती मूवी में। पद्मावती थी, लेकिन बहुत हम लोग मार भी खाए हैं उस मूवी में। अच्छा, हाँ, हम लोग जोधपुर में गए थे शूट करने, तो वहाँ पे राजस्थान की कहानी है, तो वहाँ के लोग मतलब आग उग लगा दिए थे पूरा सेटअप पे। हाँ, और मार भी पड़ी, हमारे डायरेक्टर साहब को भी एक थप्पड़ लग गई थी, भंसाली सर को भी। हाँ, तो इसलिए पद्मावती नाम था, लेकिन चेंज किया गया, पद्मावत किया गया। हाँ, आप भंसाली फिल्म प्रोडक्शन के तहत जो काम करते थे। हाँ, लेकिन कैसे लोगों को विश्वास होगा? आपके पास एक कार्ड है? मेरे पास प्रूफ है जी। हाँ, दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप कि भंसाली फिल्म प्रोडक्शन के तहत ये काम करते थे और ये जूनियर आर्टिस्ट भी रहे हैं पद्मावत फिल्म में, जो बहुत ही अधिक आज का इसको देखा गया था, क्योंकि इसी पे जो लफड़ा भी हो गया, बहुत लफड़ा हुआ था, बहुत ही रोक हुआ था, बहुत मार झगड़ा हुआ, लेकिन हम लोग कैसे कैसे करके चोरी चोरी रिलायंस स्टूडियो में गोरे गांव में सेट लगवा के सब घर के अंदर ही लगवाते थे सर, और घर के अंदर ही होता था शूट। बहुत फोर्स, हाँ पुलिस फोर्स बहुत लगती थी वहाँ पे। हाँ, तब जाके हुआ। एक औरत है, उसको बहुत ही अपने मतलब नैहर में ससुर घर पे जहाँ शादी हो जाता है वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है उसको। हाँ, उसी प्रकार के वो अपने आदमी से खुश नहीं है, वो तो औरत कह रही है थोड़ा सा मतलब भाव में। हाँ, फोन करके अपने भाभी से कह रही है, आहवतानी नैहर हम छोड़ी के भातार के, आहवतानी नैहर हम छोड़ी के भातार के, अमरले बापियावा मोरला थार के, ये भौजी रे मरले बापियावा मोरला थार के। वो भी बहुत टसन में रहती है कि क्या करने आएगी यहाँ पे जब वहाँ वो उधर ही रहे, तो वो भी बोलती है, कैसे बताई भौजी अपन परेशानी, आफत में पड़ गई बाटे जिंदगानी, कैसे बताई भौजी अपन परेशानी, आफत में पड़ गई बाटे जिंदगानी। वो उधर से बोलती है, अरे फरेश बताओ का भइल, तो इधर से बताती है, खींची के झोटा फोरी देले बा कह पार के, खींची के छोटा फोरी देले बा कह पार के, अमरले बा सैया मोरला थार के, ये भौजी रे मरले बा सैया मोरला थार के। वाह दोस्तों, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जूनियर आर्टिस्ट भंसाली फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले काम करने वाले पद्मावत के एक जूनियर आर्टिस्ट रहे हैं मंजीत मैक्स जी, और इनकी आपने गीत भी सुनी होगी। तो आप चाहूँगा कि अधिक से अधिक इनके प्यार दें, दुलार दें। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी। It's caught in the crossfire.